सो गाइज, इंडिया में आपको रियलमी एक्स टू स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है 17,000 की कीमत में, और यहीं भी आपको सैमसंग गलेक्सी M21 जो है गाइज देखने को मिल जाता है 13,000 की कीमत में। कन्फ्यूजन्स इस बात का है कि यहाँ पे आपको गलेक्सी M21 बेटर देखने को मिलता है या फिर बेटर देखने को मिलता है रियलमी X2। सिर्फ प्राइजेस के बेस पे नहीं, और भी कई सारी चीज़ों को मैटर करते हुए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी X2 और सैमसंग गलेक्सी M21 यहाँ पे आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन बेटर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो मिलेगी आपको डिटेल्ड कंपेरिजन रियलमी X2 की एंड सैमसंग गलेक्सी M21 की, और साथ ही जो कॉन्क्लूजन वाला पार्ट है यहाँ पे आप लोग आसानी से बहुत ज्यादा आसानी से डिफाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से पता कर पाओगे कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है बेटर होने वाला है। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल कंपैरिजन को, बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो यहाँ पे रियलमी X2 में गाइस आपको 6.4 इंच की फुल HD और सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें मिलेगी आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की, और साथ ही बात कर लूँ सैमसंग गलेक्सी M21 की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड जो कि इन्फिनिटी यू शेप में आती है वो देखने को मिलेगी, और इस पर भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो क्वालिटी तो है वैसे डिसेंटली सैमसंग की अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है और सैमसंग कंपनी की खुद की तरफ से है, तो आप लोग क्वालिटी ऑब्वियसली अपने आप में बहुत ज़्यादा कह सकते हो अच्छी है। और यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें, अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 ना होकर 3 देखने को मिलती है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है देखने को मिल जाती है रियलमी X2 की बेटर। बाकी यहाँ पर भी आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कैमरा कंपैरिजन की, तो रियलमी X2 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो 64 मेगापिक्सल से आता है, और ये शुरुआत इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में, और इसी स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग यानी सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ सैमसंग गलेक्सी M21 में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ में, और इस स्मार्टफोन में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है रियलमी X2 का। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात कर लूँ बैटरी कंपैरिजन की, तो रियलमी X2 में आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, एवरेजली बैटरी कैपेसिटी है जो सब में देखने को मिलती है, और इसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 30 वाट का वोका 4.0 का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, और साथ ही आपको मिल जाएगा USB टाइप सी केबल रियलमी X2 के डब्बे में ही। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ तो गलेक्सी M21 की, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बड़ी है, साथ ही यहाँ पर आपको 15 वाट का चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जाता है, और मिल जाता है USB A2C केबल सैमसंग गलेक्सी M21 के डब्बे में ही। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी देखने मिलती है कंपैरेटिवली रियलमी X2 से, लेकिन आपको जो चार्जिंग अडेप्टर है वो रियलमी X2 का ही बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ प्रोसेसर की, तो रियलमी X2 में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और यहीं पर आपको सैमसंग गलेक्सी M21 में एक्सिनॉस का 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर पे, 2.3 GHz की स्पीड है, और ये जो है GPU जो है इसकी वो है Mali G72 की। कंपैरिजन की बात करूँ प्रोसेसर की कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली विनर है रियलमी X2, क्योंकि 730G एक्सिनोस के 9611 से बहुत ज्यादा बेटर है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो रियलमी X2 में आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिमटर स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सुपर और एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ तो सैमसंग गलेक्सी M21 में, तो यहाँ पे भी आपको सेम एज डेडिकेटेड ट्रिपल सिमटर स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड को, और यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है वो मिलता है रियर यानी बैक बॉडी के पीछे। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ बॉडी एंड कलर की, तो रियलमी X2 की जो बॉडी है वो मिलती है आपको 3D ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जिसमें मिलेगी आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की, और यहाँ पे आपको 3 कलर के वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं पर्ल ग्रीन, पर्ल ब्लू एंड पर्ल व्हाइट के साथ में। साथ ही साथ बात कर लूँ अगर सैमसंग गलेक्सी M21 की, तो यहाँ पे आपको जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलती है जो कि खुद की सैमसंग की यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में आती है, और यहाँ पे आपको 2 कलर के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे ब्लू एंड ब्लैक के ऑप्शन के साथ में। बात की जाए कीमत की, तो रियलमी X2 के 3 वेरिएंट्स सामने आते हैं, 4GB RAM, 64GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 17,000 की कीमत में, बेस वेरिएंट है। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB RAM 128GB के स्टोरेज वेरिएंट का ऑप्शन वो आता है 19,000 रुपये का, एंड फाइनली 8GB RAM 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 20,000 रुपये में। तो ये तो बात है रियलमी X2 की। अब बात कर लेते हैं सैमसंग गलेक्सी M21 की, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4GB RAM 64GB का स्टोरेज वेरिएंट 13,000 की कीमत में, और 6GB RAM 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 15,000 की कीमत में। तो यहाँ पे तो मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन आप सभी लोगों को, अब चलते हैं कॉन्क्लूजन वाले पार्ट पे, और वहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या प्राइस को ही लेकर चलना चाहिए या फिर और भी कई सारी चीजों को मैटर करते हुए आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर होने वाला है। तो गाइस यहां पे आ चुके हैं हम लोग अपने कॉन्क्लूजन वाले पार्ट पे, और यहां पे आपको बता दें कि रियलमी X2 बेटर है या फिर बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M21।
तो गाइज़ यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के बेस पे। यहाँ पे आपको रियलमी एक्स टू कंपेरेटिवली रियलमी सॉरी कंपेरेटिवली सैमसंग गलेक्सी M21 से 4,000 रुपये ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी 17,000 की कीमत में। तो पहले बात कर लेते हैं 13,000 की कीमत में सैमसंग गलेक्सी M21 में क्या बेनिफिट्स आपको लेने के। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ जो है बहुत बड़ी देखने को मिलेगी, और कंपेयर कर ले रियलमी एक्स टू से तो उससे भी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज करने के जो एडेप्टर है वो ऑब्वियसली आपको 15 वाट का मिलेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, लेकिन आप लोग इसे ज़्यादा टाइम में भी चार्ज नहीं कर पाओगे। मतलब एवरेजली आपका स्मार्टफोन जो नॉर्मल स्मार्टफोन चार्ज कर पाते हैं उसी स्मार्टफोन में उसी स्पीड में आपका स्मार्टफोन चार्ज हो पाएगा, लेकिन मेन बात यह है कि आपको बैटरी लाइफ बड़ी देखने को मिलेगी। दूसरा एडवांटेज क्या है, इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यानी अगर आप लोग कैमरा के उतने ज़्यादा शौकीन नहीं हो लेकिन आप लोग एवरेजली यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपके लिए सैमसंग गलेक्सी M21 बेटर है 13,000 की कीमत में। और एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन चीज सैमसंग की डिस्प्ले मिलेगी जो 6.4 इंचेस में सुपर एमोलेड होकर आती है, और इन्फिनिटी यू शेप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सैमसंग की डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर मिलता है, तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन हाई मतलब कह सकते हो हाई लेवल पे ज़्यादा बड़ी गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हाई लेवल के गेमिंग के लिए प्रोसेसर उतना बेस नहीं है। ये जो प्रोसेसर बेस्ड है वो है आपकी बैटरी लाइफ को अच्छा आसानी से कंजर्व ना करने के लिए, आपकी बैटरी लाइफ को बचाने के लिए, और आप लोग ज़्यादा ही आसानी से स्मार्टफोन यूज़ कर पाओ उस चीज़ को आसानी से एनहेंस करने के लिए। तो ये तो बात हुई सैमसंग गलेक्सी M21 की। अब बात कर ली अगर रियलमी एक्स टू में, तो अगर आप लोग 4,000 एक्स्ट्रा लगा के रियलमी एक्स टू में जाते हो तो सबसे पहले अगर बैटरी की बात करो तो ज़्यादा बड़ी नहीं मिलती, एवरेजली जो सारे स्मार्टफोन देते हैं उतनी मिलती है 4,000 mAh की, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए आपको जो अडेप्टर है वो बहुत फास्ट मिलता है, और ऑब्वियसली इसको चार्ज आप लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा इजीली होगा ये आपके लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ग्लास बैक होने वाला है, यानी अच्छी फिनिशिंग अच्छी लुकिंग वाला होने वाला है, तो ये आता है 3D ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, तो ऑब्वियसली लुक तो आपको ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा ही। तीसरे एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 64 MP का क्वाड कैमरा मिलता है और मिलता है 32 MP की सेल्फी। तो कैमरे के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत डिसेंट होने वाला है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, मुझे ये पसंद आया ज़्यादातर। तो और अगर बात करूँ चीज़ों की तो यहाँ पे आपको जिसका प्रोसेसर है वो बहुत बेस्ट देखने को मिलेगा 730G के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जहाँ पे आप लोग गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही अगर मैं बात कर लूँ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज़ की और फिंगरप्रिंट स्कैनर ओवरऑल चीज़ों को, तो 6.4 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलेगी सुपर एमोलेड, और प्रोटेक्शन भी आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की मिल जाएगी आगे और पीछे दोनों तरफ से। तो गाइस यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी अच्छी देखने को मिलेगी, ग्लास भी अच्छी है, और मेन चीज़ यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड है, तो यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इन डिस्प्ले मिलेगा। ज़्यादा फास्ट नहीं होगा लेकिन शो ऑफ करने के लिए तो बेस्ट हो ही सकता है। तो अगर मेरा ओपिनियन माने तो प्राइस के हिसाब से सैमसंग गलेक्सी M21 बेटर है, लेकिन अगर मैं रियलमी एक्स टू की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे 17,000 की कीमत में यही लगा अपने ओपिनियन के हिसाब से। तो अगर आप लोग ज़्यादा गेमिंग करते हो, ज़्यादा स्मार्टफोन में लगे रहते हो, ज़्यादा अच्छा कैमरा चाहते हो, ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले चाहते हो, अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी M21 बेटर है। अच्छे बैटरी लाइफ की बात करूँ तो सैमसंग गलेक्सी M21 बेटर है, लेकिन अगर सारी चीज़ों को और अगर लेके चलें दूसरी तरफ तो यहाँ पे रियलमी X2 बेटर है। तो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको रियलमी X2 पसंद आया या फिर पसंद आया सैमसंग गलेक्सी M21 किस बेसिस पे, किस रीज़न की वजह से, वो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई वो भी सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट के जरिए हमें बता देना, फीडबैक दे देना, हमें पता चल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले कंपैरिजन वीडियो में। जब तक के लिए टाटा गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।